तो कल 0.5% का दबाव, उसके ऊपर 1% की और कमजोरी मंगलवार के सेशन में। 16,500 के अब कन्विंसिंगली नीचे 16,465 464 के जोन्स पर क्लोजिंग टिक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रेशर निफ्टी बैंक पे आया इन लाइन विद निफ्टी, 1% का दबाव। ज्यादातर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, अब इंडसइंड वगैरह को छोड़ दीजिए जो अच्छे मूव जीरो जिसकी मेंशन भी कर रहे थे, अदरवाइज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स थोड़े से दबाव में थे। और आईटी ने तो आज खासा प्रेशर, इंफोसिस ने लीड किया हो, लेकिन वायदा में देखिएगा आज के टॉप लूजर्स कितने सारे आईटी स्टॉक्स आपको वहां पे नजर आएंगे। तो आईटी थोड़ा सा पेन में आता हुआ नजर आया हमने रिजल्ट से पहले, टीसीएस के नंबर्स के बाद भी आईटी में सारे सेक्युलर स्ट्रेंथ आती हुई देखी थी, वो सारी आज फिजल आउट हुई है। आईटी में अच्छा खासा दबाव, जबकि नैसडैक आज इस समय ऐसा नहीं कि वो ग्लोबल क्यूज उस तरफ इंडिकेट कर रहा है। दिखाइए इसमें जरा फाइनेंस इंडेक्स, क्योंकि वो थोड़ा सा बजाज फिनसर्व का तड़का था, उसमें बजाज फाइनेंस का तड़का था, इसीलिए निफ्टी बैंक से बेहतर आपको निफ्टी फाइनेंस नजर आएगा। लेकिन आज हुआ क्या, लार्जली सारी इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट्स इन रेड कामकाज करती हुई नजर आई, और उन लॉसेस को लीड करा आईटी ने, बैंक्स उसमें थे, ये सब पॉकेट्स वीक थी। जो क्लोजिंग प्रोविजनल क्लोज आया है वो 1% का दबाव, 163 पॉइंट्स नीचे 467 के लेवल्स पर निफ्टी क्लोज होता हुआ। निफ्टी बैंक 36,350 का प्रोविजनल क्लोज डिलीवर कर रहा है। मिड कैप 0.25% से ज्यादा का दबाव, क्विकली स्मॉल कैप इस प्लेट पे दिखाइए 1.5% के आसपास ही कमजोरी, और ब्रेथ फाइनली हो गई 1:2 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर। इसके उल्टा हमने शुरुआत करी थी, 2/3 बाजार इन ग्रीन था, बंद होते थे 2/3 बाजार इन रेड, तो ये वो मिरर हो गया सुबह का और उल्टा हो गया पूरा ब्रॉडर मार्केट्स का हाल। निफ्टी 50 का क्विकली परफॉर्मेंस दिखा दीजिए स्क्रीन पे, उसके बाद वीरू से एक लास्ट कमेंट ले लेंगे आज की क्लोजिंग पे। बजाज फिनसर्व 5-5.5% कमजोर बाजार में उछला, हम परसों थर्सडे को उसकी बोर्ड मीट का इंतजार कर रहे हैं बोनस और स्टॉक स्प्लिट पे। जेएसडब्ल्यू स्टील आज अच्छा कर गया, अभी अभी चर्चा में था। कोल इंडिया सुबह से एक्सपर्ट्स के रडार पे था, अच्छा। भारती वो टेलीकॉम के 5G स्पेक्ट्रम की बिडिंग के बीच ऑलमोस्ट 1% का उछाल। नीरज वाजपेयी ने सुबह कहा था आईटीसी की चाल अपनी है, बाजार कमजोर है तो आईटीसी को रडार पर रखिए, लीजिए 0.5% ऊपर आईटीसी फाइनली कमजोर बाजार में बंद होता हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल 3.5% के दबाव के बाद, कल सबसे बड़ा सरदर्द था इसका वो प्रेशर, आज स्टेबिलिटी के साथ कमजोर बाजार में इन ग्रीन बंद होता हुआ नजर आया। जो स्टॉक्स वीकनेस थी, जैसे कल रिलायंस 3.5% गिरा था, आज इंफोसिस 3.5% गिरता हुआ नजर आया। हैवी वेट्स में एचयूएल प्रेशर में, एक्सिस बैंक दबाव में, आईटी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स खैर आपकी स्क्रीन पे प्रेशर में, उन पे नहीं जा रहा एक एक करके। टीसीएस एलएनटी जोड़ दीजिए वीकनेस की तरफ, एचडीएफसी लिमिटेड देख दीजिए वीकनेस की तरफ, आईसीआईसीआई बैंक 0.5%, ये सब वो हैवी वेट्स थे जो कमजोरी के साथ आज के सेशन में क्लोज होते हुए नजर आए। बजाज ऑटो अच्छे नंबर्स पे भी 2.5% दबाव के साथ। चलिए एलएनटी एक बार दिखा दिए जाते जाते, 0.25% की कमजोरी लार्सन एंड टूब्रो पे। अब बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे जिसपे हम लोग कल सुबह चर्चा और रिएक्ट करेंगे। वीरो, अच्छा जो क्लोजिंग हुई 483 ऑड लेवल्स के आसपास निफ्टी की, या 36,400 के एक शेड ऊपर निफ्टी बैंक की, कैसी लग रही है? एक छोटा सा प्रमाइस सेट कर देते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। देखिए आशीष, निफ्टी बैंक की तो अगर आप देखें कुछ खास खराब नहीं थी, अपने ऑप्शन बेस के पास, लेकिन निफ्टी ने एक ठीक ठाक रिप्लेसमेंट के साथ क्लोजिंग दी और अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मिंग एवरेज को वॉलेट करके क्लोजिंग दी है। बट अभी भी आई थिंक मैं कहूँगा आशीष कि मैं पजल इसलिए हूँ क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग स्विंग के बाद दो एवरेजेस पे आके बैठना, लौटना पॉसिबल लग रहा था, और फाइनल मैसेज देगा निफ्टी कि मैं कोलैप्स हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, वो होगा करीब करीब 16,445 जो कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मिंग एवरेज का जोन है। सो आई थिंक इन इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में, जहाँ पर आप एक बड़े कहीं ना कहीं इवेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्लोजर टू एक्सपायरी, ये बहुत एक क्लियर डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पे शॉर्ट रहें या लॉन्ग रहें। आशीष, चलिए जाते जाते, अच्छा जो जो गेस्ट अभी भी जुड़े हैं सबको थैंक यू आज जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए मंगलवार के दिन।